हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैंने इंस्टाग्राम पे रील डाल दी थी और जो मैंने आप लोगों को ड्रेस अपना दिखा दिया था और पहन के भी मैं आप लोगों को पहना हुआ भी दिखा देती हूँ। और आज मैं जा रही हूँ नुमाइश पे और बहुत अच्छी फर्नीचर नुमाइश लगी है और उसको इस वीडियो जो सी है ना वो आप लोगों के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और आगे जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो फिर देर नहीं करते चलते हैं व्लॉग बनाने की तरफ। लेकिन आपने पहले तीन काम कर देने, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है और जो दो वीडियो एंड पे आती हैं वो भी आप लोगों ने देख लेनी है। मैंने आप लोगों को देखा है आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब भी किया करें ताकि मैं जल्दी जल्दी अपने सब्सक्राइबर जो उनसे वो कम्प्लीट कर लूँ। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। फातिमा से बोला है कि मेरी ओवरऑल लुक दिखा दी थी, ये मेरी ड्रेस की ओवरऑल लुक है, साइड पे अगर मैंने आपको दिखा दिया है। और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि वाइट कलर मुझ पर कैसा लग रहा है। वैसे मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ हुई है कि बहुत अच्छा लग रहा है वाइट कलर मुझे। तो चलते हैं फिर वीडियो बनाने की तरफ। यहाँ पे मैं फर्नीचर की माइश में आ चुकी हूँ तो अब चलते हैं अंदर। अंदर आप लोगों को साथ साथ ही चलते हैं दिखा के। तो फातिमा आपने रिबॉन्डिंग करवा ली बालों की कि नहीं? वाओ यार लोकेशन तो बहुत प्यारी है। अच्छा अम्मी आपको यहाँ पे कोई फर्नीचर पसंद आया फिर? हाँ ये बहुत प्यारा फर्नीचर है माशाल्लाह। अल्लाह मियाँ बेटियों के नसीब अच्छे करे, उनके नसीबों में करे। और ये इतने पैसे इतनी ज़्यादा उन्होंने लगाई हुई है इसकी कीमत ये फर्नीचर की। लेकिन तो, अभी तो आप सिर्फ देखने आई है ना? लेकिन हाँ तो ये फर्नीचर तो बहुत प्यारा है। हाँ अभी तो हम सिर्फ देखने आए हैं तो देखते हैं कि ये हमें अच्छा प्रैक्टिकल देते हैं कि नहीं और हमें डिस्काउंट में भी देते हैं फर्नीचर के नहीं। तो ये थी मेरी अम्मी और आप लोगों को सबको सलाम कह रही थी अस्सलाम वालेकुम माँ अम्मी की तरफ से। और अब चलते हैं आगे। और आगे बस ये हम ये टेबल देख रहे थे, हमें अपने घर के लिए टेबल चाहिए था। तो अम्मी जोन सी थी वो थक गई थी और बैठ गई थी। अम्मी कह रही थी तुम लोग विज़िट कर लो देख लो। तो बस हम लोग वीडियो बना रहे थे लेकिन वहाँ पे बनाने नहीं दे रहे थे हमें वीडियो, कह रहे थे कि अलाउ नहीं है। तो जिसकी वजह से हमारा जो मूड था वो ख़राब हो गया था। वैसे फर्नीचर तो काफ़ी अच्छा था तो, लेकिन जब उन्होंने ऐसे हमें बोला कि अब वीडियो नहीं बना सकते और ये वो ऐसे वैसे ये हो गया वो हो गया, तो फिर इस वजह से हमें गुस्सा आ गया था। बाकी फर्नीचर तो अच्छा ही है लेकिन मैं आप लोगों को उनके बिहेवियर की तरफ से बिल्कुल भी कहूँगी कि मतलब कि उन्होंने हमारे अच्छा सलूक नहीं किया। बाकी फर्नीचर आप लोग देख लें, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे। डाइनिंग टेबल भी है और बेडरूम का सारा सामान है और टेबल बहुत अच्छे थे शीशे वाले, वो बहुत अच्छे थे। तो वो हमारा दिल था कि हम एक ले लें लेकिन बस उनका जो बिहेवियर था वो अच्छा नहीं था हमारे साथ, तो फिर हमने ख़रीदा नहीं। और वैसे मैं आप लोगों को बता दूंगी, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि कहाँ पर ये फर्नीचर की नुमाइश लगी हुई है और आप लोग जाके देख लीजिएगा, विज़िट कर लीजिएगा। बस हम यहाँ पे देख रहे थे और ये मैंने बड़ी मुश्किल से छुप के वीडियो बनाई थी ताकि आप लोगों के लिए बनाई थी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पे किस तरह का किस किस्म का फर्नीचर मिल रहा है और डिज़ाइन किस तरह के हैं। तो स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी। अच्छा अब अजान हो रही है तो फिर मैं उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, अजान सुन लूँ फिर मिलती हूँ आपसे। अच्छा ये जो रेड वाला था ना, रेड बेडशीट वाला जो था ना बेडरूम, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था बेड। तो मेरा वहाँ पे ना कॉन्सेंट्रेट ही हो गया और मैंने ना वीडियो ही उसकी इतनी ज़्यादा बना ली और आगे मैं गई ही नहीं। तो अब यहाँ से फिर हम लोग जा रहे थे, यहाँ पे ना डबल स्टोरी पे ना डबल थी, मतलब कि ऊपर भी थी फर्नीचर की नुमाइश और नीचे भी लगी हुई थी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब हम ऊपर जाते हैं, नहीं सोचा नहीं, हमें उन्होंने कहा कि अब ऊपर से भी विज़िट कर लें। तो जबकि उनको नहीं पता था कि वीडियो बन रही है,
तो फिर हम लोग ऊपर चढ़ गए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, चढ़ गए जा रहे थे ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है ना, तो जल्दी जाएं मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस वीडियो पे 100K करेंगे ना, तो फिर मैं आपको एक गिववे भी दूंगी और वो आपके लिए सरप्राइज़ होगा। तो बस भी लेकिन नीचे से ज़्यादा अच्छा फर्नीचर ऊपर था, ऊपर बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे ना मेरा इंटरव्यू भी होना है, और जब अगर मुझे पता होता ना कि इन्होंने मेरे से बिहेवियर नहीं अच्छा करना, तो मैं इनको इंटरव्यू ना देती अपना। तो यहाँ पे मीडिया वाले आए हुए थे, इन्होंने हमसे कहा कि आप क्या हमारे वीडियो के आगे खड़े होके हमारे फर्नीचर की तारीफ़ कर सकते हैं, ये वो। इन्होंने हमें बहुत उल्लू बनाया, हम लोगों ने काफ़ी तारीफ़ कर दी, यहाँ से आए खरीदें ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अगर हमारे सब बिहेवियर अच्छा अगर करते हैं ना, तो इनका ये जो इतना अच्छा फर्नीचर है ना, ये भी बिक सकता था। लेकिन अब खैर जो इन्होंने करना था वो तो कर लिया। तो यहाँ पे काफ़ी डिस्कशन हुई, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। मैडम तुसी अपना फर्नीचर हॉल ते आए हो, ते ये सालाना नुमाइश लाते हैं हर दफ़ा, ते तुसी क्या इस नुमाइश का कोई फायदा चुक रहे हो? क्योंकि इन्होंने अपने रेटा भी काफ़ी डिस्काउंट किया है। तुसी दसो कि चीज़ तुहानू पसंद है, विजिट करके की ख्यालत की ने? विजिट करके एक तो है कि बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि किस तरह का फर्नीचर आजकल इन हुआ है और किस तरह की डिज़ाइन अवेलेबल है और कौन से डिज़ाइन जो हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं और आप अपने घर के लिए खरीदना चाहेंगे। ठीक है। सेकंड ये है कि प्राइसेस जो हैं वो मार्केट की निस्बत कम होती हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत एक दूसरा बेनिफिट है कि प्राइसेस में पहले से ही डिस्काउंट दे रहे हैं। और उसके बाद ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर फर्नीचर में कोई भी घर जाने के बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी श्योरिटी देते हैं, यानी कि टूट भाजे हुए कोई भी रगड़ लग जाए डैमेज हो जाए तो आनू फ्री अपना वो रिपेयरिंग करके देंगे। ये भी देते हैं, एक बहुत अच्छी गल हैगी है। अक्सर लोग ऐसा करते अपना माल बेच देंगे ने, अपनी चीज़ बेच देंगे ने, बाद च तू कौन तो मैं कौन जी, नहीं कोई पुछता। अच्छा मैडम जी तुम ये दसो कि डिजाइना के बच्चों की मुनफरद पाया इतने कि इन्हों की क्वालिटी इन्हों की ब्यूटी के दूसरे शोरूम ते इन्हां दा की फर्क है? फर्क ये है कि यहाँ पे डिजाइन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं और अलग हैं, और ऐसे डिजाइन मैंने पहले नहीं देखे। और जो फर्नीचर की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, और ये मज़ा आ रहा है, और सर्विस इनकी बहुत अच्छी है, कोऑपरेटिव है, कुछ भी नहीं है, मतलब कि प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। आप इजीली यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं और अपना माइंड बना सकते हैं, चाहे तो अभी खरीद सकते हैं या फिर। अच्छा मैडम ये बताएं कि आपने ये विंडो शॉपिंग भी कर ली होगी, देखा भी होगा आपने, तो कुछ फाइनल किया आपने क्या क्या लेना है आपने? यहाँ पे अभी एक तो ये कि मार्केट में हम पहले घूम चुके हैं, यहाँ आके एक और आइडिया हो जाता है कि क्या वाकई में ये लोग सस्ता दे रहे हैं या कुछ नहीं दे रहे, तो वो भी एक आइडिया हो गया यहाँ पे आके। नहीं तो क्या आपने महसूस किया कि रीजनल क्या वाकई सस्ता है कि बस ये बात या लिख के रखा है? नहीं नहीं सस्ता है, आप सेटिस्फाई हैं इससे? बिल्कुल मैं सेटिस्फाई हूं। और जो लोग न्यू घर बना रहे हैं उनके लिए रिकमेंडेड है ये जगह, यहाँ पे मतलब अगर लगती है दोबारा तो जरूर अपॉर्चुनिटी से फायदा। थैंक यू सो मच, वेरी गुड। तो थोड़ी ज्यादा स्टॉप करोगे? तो गाइस आप फाइनली तौर पे आप लोगों की बिया मलिक आप लोगों के सामने आ चुकी है, और यहाँ पे मेरा हो रहा है इंटरव्यू, और मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हुई हुई थी कि वाह मेरा इंटरव्यू हो रहा है। मैं पहली दफ़ा मतलब कि दूसरी मीडिया चैनल में आऊँगी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी इस चीज़ की, तो मैंने खुशी खुशी अपना इंटरव्यू दिया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इन्होंने मेरे साथ बिहेवियर क्या करना है, अगर पता होता ना तो मैं कभी भी ना इंटरव्यू देती। अच्छा खैर तो मैं बड़ी खुशी खुशी होके और मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, मुझसे पूछ रहे हैं कैसा लगा आपको फर्नीचर ये वो ब्ला ब्ला, तो मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हुई आप लोगों के फर्नीचर से को देख के। मतलब कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं तारीफ करूँ या बदतरीफ करूँ, तो मैं तो बस कंफ्यूज ही थी इसमें यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा। तो लेकिन क्योंकि पहली दफ़ा जो मैं दूसरी मीडिया चैनल पर आ रही थी, तो इस वजह से ज़रा थोड़ी सी मैं कन्फ्यूज़ थी। लेकिन बाद में जब मेरी वीडियो शीडियो बन गई और जब इन्होंने मुझे ये कहा ना कि मैम अब आपने अपनी वीडियो नहीं बनानी, मतलब अलाउ नहीं है, उस भाई के साथ खड़े हो गए आप जितनी मर्जी वीडियो बनाए, लेकिन जब मैंने खुद से वीडियो बनाने की कोशिश की, तो जब मैंने कहा मैं अपने लिए भी अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए वीडियो बना लूँ, लेकिन इन्होंने मुझे इतना इंसल्ट किया कि मैंने कहा बस अब मैं देखना मैं चोरी छुपे वीडियो बनाऊँगी और इनको पता भी नहीं चलेगा।
तो बस यहाँ पे मेरा इंटरव्यू चल रहा था और फिर आ गई हूँ मैं, दोबारा आ गई हूँ क्योंकि अभी भी मेरा स्टिल इंटरव्यू चल रहा है और इस भाई ने इतना सर खाया मेरा, इतना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो बस फिर मैंने कहा जान छोड़ दो मेरी, और फिर मैं यहाँ पे आ गई। एक मिरर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो यहाँ पे मैंने वीडियो बना ली। तो ये मिरर वो है, क्या गजब का वीडियो ये मिरर था, आप लोगों को बता नहीं सकती। तो बस यहाँ पे ये फातिमा के तो तमाशे गाइस शुरू हो घर गए वाले मेरी पता वीडियो। नहीं कहाँ पे रह गए हैं और मैं इंतज़ार कर रही हूँ, और मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगा आके, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो वीडियो बनाने नहीं दे रहे और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो मैं तैयार इतना हो के आई थी, चूड़ियाँ शूड़ियाँ पहन के, तो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे आके इंजॉय करूँगी और अपनी बातें आप लोगों के साथ करूँगी, लेकिन यहाँ पे तो मज़ा नहीं आया। तो गाइस यहाँ पे आके मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वो वीडियो नहीं बनाने दे रहे और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैंने तो अपनी ओवर लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी मुझे आके अच्छा नहीं लगा। फातिमा मैं नीचे आ गई हूँ, तुम भी नीचे आ जाओ, मुझे यहाँ पे आके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा है कि वीडियो नहीं बनानी, तो मुझे अब यहाँ पे कुछ भी मेरा कुछ भी दिल नहीं कर रहा कि मैं कुछ करूँ। तो गाइज यहाँ पे आके हमारा ख़राब हो गया। तो फातिमा आप बताएं हुआ क्या है, बताएं ज़रा, ऐसे ही बता दें क्या कहना चाहती ये हैं? है कि मेरा मूड नहीं अब सही, मेरा खुद भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है क्योंकि जब मुझे कोई वीडियो नहीं बनाने देना, उन्होंने मेरी वीडियो बना ली है, ये मेरे से उन्होंने ज़्यादती की है, और जब मैं वीडियो बनाने लगी हूँ तो आप बताएं उन्होंने किया। अनॉइंग बिहेवियर था, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से फर्नीचर लेना चाहिए क्योंकि जो लोग अभी आपके साथ सही बिहेवियर नहीं कर रहे वो भी आप लोग ले जाओगे तो बाद में भी ये लोग नहीं सही बिहेवियर करेंगे। मत ले यहाँ से फर्नीचर, वहाँ से ले जो लोग कोऑपरेटिव होते हैं, जो लोग सही होते हैं, जो आपको सही तरह से बुलाते हैं, सही तरह से बिठाते हैं, सही तरह से बात करते हैं, आर्टिकल्स हैं देखने के लिए, सभी दुनिया देखेगी और ये सारी दुनिया से ही बन के आ रही, एक जैसे दोस्त से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप यकीन जाने कि उन्होंने लड़कियों की भी रिस्पेक्ट नहीं की बिल्कुल भी, और लड़कियों को देख मैं यहाँ पे आके शुक्र है यहाँ पे सैरियाज था, यहाँ पे आके मैं बैठ गई हूँ और मैं यहाँ पे आके आप लोगों को सारी सिचुएशन बता रही हूँ। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा, हम घर से इतना हैप्पी होके आए थे ना आज, हम इतना हैप्पी थे ना घर से। तो गाइस बस यहाँ पे फातिमा मुझे बोल रही थी कि मेरी वीडियो ना बनाओ, मुझे नज़र लग जाती है, और वाकई में उसको नज़र लग जाती है, वो बहुत ज़्यादा प्यारी है ना इसलिए। तो मैं भी लूँ तो बस उसको नज़र लग जाती है, आपने माशाल्लाह बोल देना है जब भी आपने उसको देखना है। तो अब मैं यहीं पे करती हूँ अपनी वीडियो का एंड, मैं भी लूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और मैं मिलूँगी और नेक्स्ट वीडियो में, और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आप लोगों ने मेरी वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़े की है, ठीक है, ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।